पहला क्वेश्चन कह रहा है एम द्रव्यमान वाले एक वस्तु को पलायन वेग के लिए निम्नलिखित में कौन सही है पलायन वेग के लिए विच ऑफ इज करेक्ट फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑफ ए बॉडी मास मास एम एम के लिए किसी प्लायन वे क्या होता है सबसे पहली बात प्लायन वेग क्या होता है किसी भी ग्रह से किसी वस्तु को ऐसे वेलोसिटी के साथ वेग के साथ फेंका जाए कि वापस लौट के ना आए उसको क्या कहते हैं उस वस्तु का पलायन वेग ठीक है अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग होता है तो प्लैनेट का फॉर्मूला क्या होता है v 2gr या ग्रेविटेशनल तो मतलब वस्तु का मास इसमें कहीं भी नहीं है तो सिंपल सा मास नहीं है मतलब क्या लिखेंगे मास क्या वन या इसको सिंपल सा एम पे पावर जीरो का मतलब क्या होता है किसी भी चीज के ऊपर पावर जीरो का मतलब क्या होता है वन होता है, तो वन। तो के लिए याद रखेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर पहला का पे पावर जीरो क्या होता है समझ ये पढ़ सकते हैं प्लान वेग न्यूनतम वेग है जिसे किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता है ठीक एकदम आसान सा परिभाषा नेक्स्ट पे आते हैं है पृष्ठ तनाव का ऐसा पृष्ठ तनाव क्या होता है सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है फोर्स बाय लेंथ ठीक है फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर तो इसको क्या कह सकते न्यूटन पर मीटर तो न्यूटन पर मीटर दूसरा क्या हो जाएगा सी ठीक है p प्लस क्यू और p माइनस क्यू के बीच कौन क्या होगा p प्लस क्यू का मतलब क्या है यदि मान लो ये हमारा p है और यह हमारा मान लिया q है तो p प्लस क्यू का मतलब p इधर और q भी इस साइड ठीक है मतलब ये हमारा q ये हमारा p तो दोनों के बीच का एंगल कितना जीरो यदि हमारा p इस साइड है और q माइनस क्यू है ना तो माइनस क्यू इस साइड होगा तो एंगल कितना होगा वन ठीक है हो सकता है ना तो जब ये डायरेक्ट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रहेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है पी इस तरफ और क्यू हमारा ऐसा किसी थीटा एंगल पे तो रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा ये हमारा क्या क्या लाएगा पी प्लस वेक्टर क्यू यदि ये पी है हमारा ये हमारा क्या है क्यू है तो समझाने का मतलब यह है कि जो पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू के बीच का एंगल की यदि बात की जाए तो हमारा क्या हो सकता है जैसे इसके लिए तो ये हो गया ना हमारा दोनों के बीच के कौन ये मान लो अल्फा मान लेते हैं यदि हमारा p प्लस क्यू ऐसा और p माइनस क्यू इतना प्लस यदि ऊपर है तो q क्या होगा नीचे की तरफ अब दोनों के बीच का एंगल कितना ये तो क्या समझाने का मतलब है कि ये जीरो डिग्री से लेके वन एटी के बीच कुछ भी हो सकता है ऐसा कहीं क्लियर नहीं ना अगर पी कहाँ है और क्यू कहाँ है तो सिंपल सा कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो डिग्री टू न एट्टी डिग्री के बीच में कहीं भी हो सकता है ओके okay, नेक्स्ट पे आते हैं क्या न्यूटन और डाइन के बीच संबंध के लिए निम्नलिखित से कौन सही है मतलब रिलेशन आपको बताना है न्यूटन और डाइन के बीच में याद रखिए अभी इतना टाइम नहीं है कि आप उसको सीखे दो चीजों को याद रखना है एक न्यूटन और डाइन के लिए न्यूटन और डाइन के लिए और दूसरा याद रखना है जूल और अर्ग के लिए ठीक है एमकेएस सिस्टम या एसआई SI आई सिस्टम की बात करें एसआई SI आई सिस्टम में हमारा न्यूटन या जूल होता है एमकेएस सिस्टम का ही एक्सटेंशन रूप है एस और सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है और अर्ग होता है ठीक है याद रखना है वन न्यूटन बराबर टेन पे पावर फाइव डाइन और वन जूल बराबर टेन पे पावर सेवन अर्ग फिलहाल हमसे सिर्फ न्यूटन और डाइन का पूछा है हो सके कहीं पूछ दे कैस का जूल और अर्ग का तो याद रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा सिंपल सा कैसे होता है बहुत ही आसान सा चीज है दोनों सिस्टम में लिखिए और काट कुट कीजिए तो फोर्थ का बी फिफ्थ का म्यू एस बाई म्यू के का मान क्या होता है म्यू एस बाई म्यू के म्यू एस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और म्यू के का मतलब होता है काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है काइनेटिक कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन के ठीक है या yes, सिंपल सा कहे जो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होता है तो म्यू एस भी कॉफिशेंट ऑफ का स्टेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कॉफिशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है स्वाभाविक से बात दोनों का रेशियो करते हैं तो क्या होता है म्यू एस इज ग्रेटर देन तो μs एस बाई म्यू के इज ग्रेटर देन वन एकदम आसान सा चीज है याद रखेंगे तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा a चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से चलने वाली एक वस्तु के लिए निम्नलिखित में कौन सा ही है मतलब यह है कि बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन दी सर्कुलर पाथ एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है मतलब ये सर्कुलर पाथ है इस पर कोई जो वस्तु है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है लेकिन यदि बात करें इसकी वेलोसिटी की वेग या वेलोसिटी की तो वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है इसके वजह से वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज करेगा ठीक है तो कांस्टेंट क्या होता है इसका यही पूछा जा रहा है ना आ, वस्तु से कौन सही है नियत चाल से चलने पर वस्तु के लिए कौन सही है तो नियत चाल से चलने पर वस्तु के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वेलोसिटी क्या है Velocity का मैग्नीट्यूड तो सेम है सिर्फ डायरेक्शन होने के वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगा डायरेक्शन के कारण तो सिंपल से यहाँ कहते हैं इसके काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हर एक जगह इसके पास सेम होगा ठीक है अब चलिए कोई कह सकता है कि भाई फोर्स की बात करें तो फोर्स की कहानी क्या है फोर्स की यदि हम बात करेंट्रीपिटल करें। फोर्स की बात करें तो इस जगह पे इस डायरेक्शन में रहेगा इस जगह पे इस डायरेक्शन में रहेगा इस जगह पे इस डायरेक्शन में रहेगा सब जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड वाले फोर्स का सेम होगा क्या होता है फोर्स का आर, तो मैग्नीट्यूड जो सेम है लेकिन डायरेक्शन हर एक जगह चेंज है और चूंकि एनर्जी जो होती है एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो स्केलर तो कहीं भी डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं है तो हर एक जगह कांटिक एनर्जी क्या होगी इसकी सेम होगी तो आंसर क्या होगा हमारा गति जुड़ जाए कायटिक एनर्जी और चीज एक चीज याद रखेंगे अब इस पे घूमने के लिए वस्तु कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा वस्तु यहां से चलेगी वापस यहां पहुंचेगी मतलब जहां सही थे वहीं पहुंच गई तो टोटल विस्थापन क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो जिसके वजह से कार्य शून्य रहेगा यदि कोई वस्तु क्या है एक समान चाल से किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है तो, तो इसको भी ध्यान रखेंगे एक बल एफ बराबर इतना एक वस्तु को एस बराबर इतना मीटर से विस्थापित करता है तो किया गया कार्य क्या होगा चल ठीक है तो दर्क डन इज तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है याद रखेंगे देखिए इससे पहले भी ऑब्जेक्ट जो पेपर वन की कहानी थी उसके अंदर भी वर्क डन की चर्चा किए थे सेम कहानी वहां पर भी हम आपको फैक्टर फॉर्म में बताए थे w इक्वल्स टू क्या होता है वैक्टर F डॉट वैक्टर s मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट पे तो लिख लेते हैं क्या है हमारे पास F की वैल्यू 4i आई प्लस फाइव जे डॉट एस की वैल्यू कितनी है थ्री आई माइनस जे ठीक है अब डॉट प्रोडक्ट का कुछ याद होगा याद रखें ये पूरा सेट को याद रखेंगे ठीक है फैक्टर सबसे ज्यादा मायने रखता है ए डॉट बीव टू क्या होता है ए बी क्रॉस थीटा ए क्रॉस वी क्या होता है ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट फैक्टर क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर देता है जबकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर देता है इसलिए वर्क भी हमारा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होती है ध्यान रखें हर एक पॉइंट को अब डॉट प्रोडक्ट केस में सेम सेम को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट वन आता है आपको डिफरेंट वाले को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसका जीरो आता है मतलब सेम सेम को करेंगे तो वन आएगा और सेम और डिफरेंट को करेंगे मतलब आई को जे के साथ करेंगे तो जीरो आएगा तो फटाफट करने के लिए सिंपल सा फोर इंटू थ्री प्लस फाइव इंटू माइनस वन जे वाले को जे के साथ आई वाले को आई के साथ फोर इंटू थ्री प्लस फाइव इंटू इसके साथ क्या है माइनस वन ये हो गया ट्वेल्व और माइनस फाइव मतलब सेवन चूंकि ये वर्क है कार्य है तो कार्य का क्या होता है जूल होता है सेवन जूल एकदम आसान सा है तो सेवन जूल आंसर क्या हो जाएगा इसका भी कुछ नहीं है सिर्फ डॉट प्रोडक्ट अगर कमाल है थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा संभव है कि पेपर वन में पेपर टू में जिसमें पूछना हो पूछ सकता है इजी चीज है फिर नेक्स्ट की बात करते हैं पूर्ण प्रत्याश टक्कर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है ओके okay, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए इस चारों में से कौन सही है ध्यान रखना है जब परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा टक्कर होगा ओके okay, पूर्ण तो हमारा ई की वैल्यू वन होती है जबकि इन इलास्टिक कॉलिजन होता है और अप्रत्याश होता है तो ई की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है और अदर केस में जीरो से वन के पीछे वैरी करती है हमको यहाँ क्या पूछा इलास्टिक के लिए तो यहाँ क्या होगा ई की वैल्यू वन तो आंसर क्या होगा ई की वैल्यू वन एकदम आसानी से नेक्स्ट तो बात करते हैं ब्यास के पैता दरमान एम त्रिज्या आर के लिए एक वृत्ताकार तार जरूरत तो आघूर्ण निम्नलिखित में से कौन सही है ठीक है तो सिंपल सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस एम एंड रेडियस मास एम एंड रेडियस आर एबाउट इनके डायमीटर के अबाउट जो होता है वो होता है हमारा एम आर स्क्वायर बाई टू इसके साथ साथ आप याद रखोगे रिंग के लिए एम स्क्वायर सेंट्रल एक्सिस से डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई टू रॉड के लिए एम आर स्क्वायर बाई ट्व और सॉलिड सिलेंडर के लिए एमआर स्क्वायर बाई टू इसका ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा में ठीक है फिलहाल इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू टेंकर्षण नियंत्रण के लिए से कौन कथन सत्य है मतलब ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एक कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू कहीं भी वैल्यू नहीं करता मरलता नहीं है मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 10 power minus -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ठीक तो इसका कोई मात्रक नहीं होता भैया मात्रक इतना सारा दिख रहा कैसे नहीं होता है। सभी मात्रकों की पद्धति के लिए इसका मान एक ही होता है ऐसा कुछ नहीं है जो ही न्यूटन को बदलोगे मीटर को बदलोगे किलोग्राम को बदलोगे तो वैल्यू तो बदलेगी ठीक या एक बल है बल तो है नहीं नेक्स्ट हमारा जिस माध्यम में पिंड को रखा जाता है उसके प्रकृति पर यह निर्भर नहीं करता है स्वाभिक तो बात है जी की वैल्यू माध्यम पर निर्भर नहीं करता है ठीक है उस कहीं भी आप रख दो जी की वैल्यू सेम ही रहने वाली है जैसे एक हमारा होता है कुलम्स कांस्टेंट वो माध्यम पर निर्भर करता है जबकि जी का जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है तो ध्यान रखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा डी थ पासपात वैल्यू देखिए और थ्योरिटिकली वैल्यू करती है, मतलब है माइनस वन टू जीरो पॉइंट फाइव कहा यह थियोरेटिकली किताबों पर ठीक है प्रैक्टिकली जीरो टू जीरो पॉइंट फाइव मतलब जीरो पॉइंट फाइव से आगे नहीं जा सकती है और जीरो से पीछे नहीं आ सकती है लेकिन थ्योमेटिकली इतना भी होता है तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है तो जीरो पॉइंट सेवन तो कभी होगा नहीं चाहे आप ये याद रखो या ये याद रखो कुछ भी याद रखो कुछ लोगों का याद रखना है रबर के लिए जीरो पॉइंट फाइव के अप्रॉक्स होता है कॉन्क्रीट के लिए जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट टू मेटल के लिए जीरो पॉइंट टू फाइव से जीरो पॉइंट थ्री लगभग लगभग सारे मेटल से, से अंदर आ जाते हैं और कॉर्क के लिए होता है हमारा जीरो ये याद रखना है ये दोनों तो पक्का वाला याद रखना है ये ये ठीक है और ये क्या होता है पाज़ियों? होता है लेटर बाय लिनियर स्ट्रेन सिंपल सा चीज है ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इलेवन का ए चलिए तो तो बर्नौली के समीकरण में लिख्विन से कौन संरक्षित होता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज दंजर्व इन बर्नॉलिकवेशन तो एनर्जी कंजर्व होती है यहां पे जितनी एनर्जी होगी वही एनर्जी हमारा क्या होगा यहां होगा और वो क्या होता है पी प्लस वन बाई टू रो भी स्क्वायर प्लस रो जी एच है। तो क्या कंजर्व रहता है इनर्जी मतलब ऊर्जा बारह का थर्टीन निम्नलिखित से किस तापक्रम पर पानी का घनत्व तो महत्व होता है पानी का घनत्व फोर डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा होता है मतलब कह सकते हैं एट डिग्री सेंटीग्रेड घनत्व तो मतलब डेंसिटी मैक्सिमम होता है और वॉल्यूम यहां पे क्या होता है मिनिमम फोर डिग्री पे वॉल्यूम मिनिमम और डेंसिटी मैक्सिमम याद रखना है तो आंसर क्या हो जाएगा फोर डिग्री सेंटीग्रेड गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है गैस की आंतरिक ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा निर्भर सिर्फ और सिर्फ उसके तापमान पर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है तो इट्स टेम्परेचर चलिए फिफ्टीन कृष्ण पिंड के लिए स्टीफन के नियम का कथन निम्नलिखित से कौन सा सही है स्टीफन के हिसाब से होता है तो ई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी पे पावर फोर या कह सकते हैं किसी कृष्ण का एकांक पृष्ठ क्षेत्र पर से प्रति सेकंड में उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है मतलब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर फोर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर फोर तो फिफ्टीन का बी सिक्सटीन डॉपलर के प्रभाव के कारण आवृत्ति में आभासीय परिवर्तन निर्भर नहीं करता है निर्भर नहीं करता है प्रेक्षक के चालक पे श्रोता के चाल पे प्रेक्षक और स्रोत के बीच के अलगाव पे इस पे निर्भर नहीं करता है मतलब सेपरेशन बिटवीन दी सोर्स एंड ऑब्जर्वर और ये ध्वनि में डॉप्लर का प्रभाव क्या होता है पास जाने से बढ़ जाती है घट जाती है क्या होता है ये पूरी कहानियां है और क्या डॉपलर प्रभाव स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी आवृत्ति को प्रभावित नहीं करती है ठीक है क्रांति को कौन प्रभावित करता है प्रेक्षक या स्रोत के बीच का अलगाव पे ठीक है याद रहेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 16 का हो जाएगा हमारा सी। 17 निम्नलिखित किस अक्षांश पर गुरुत्व त्वरण का मान महत्तम होता है गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है स्मॉल g equals to g कैपिटल g मास m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर पृथ्वी को ये देखोगे तो ये यहां पे ज्यादा चौड़ी होती है जबकि यहां पे ये कम होता है ठीक है यहां पे ज्यादा बड़ा होता है थोड़ा सा चपटी होती है अर्थ ठीक है तो यहां पे जी का मान कम होता है और इस जगह पे पोल पे जी का मान ज्यादा होता है तो ये कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे तो 90 डिग्री पे हमारा क्या होता है वैल्यू मैक्सिमम तो कह सकते हैं गुरुत्व त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा मतलब ये वाला जो भूमध्य रेखा है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होते क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है और ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है रूप पर थोड़ी सी पिचकी हुई है ठीक है 18. से किस भौतिक राशि का ऐसा होता है पास्कल प्रेशर का होता है और यदि बात तो स्ट्रेस का भी हमारा क्या होता है पास्कल ही होता है तो कह सकते हैं पास्कल हमारा किसका प्रेशर का या दबाव का जैसे बात करें इसका संवेग क्या होता है एम इंटू वी गुरुत्व त्वरण जिसको बोलते हैं हम लोग जी अब बल टू क्या आता है एम इंटू ए ठीक है प्रेशर क्या होता है, है, है? फॉर्मूला याद रखेंगे फोर्स अपॉन एरिया एटीन का क्या हो जाएगा डी नाइनटीन खुला आर्गन वाले के कंपन का सेकंड अधिस्वर निम्नलिखित में से कौन है मतलब सेकेंड ओवरटोन देखिए याद रखोगे इसके साथ साथ ये पूरा भी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी या फर्स्ट ओवरटोन जो होता है वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एन वो होता है वी वाई ट्वेल्व सेकंड जो हमारा होता है सेकेंड ओवरटोन कह सकते हैं टू टाइम्स होता है किसके फंडामेंटल के और जो हमारा थर्ड ओवरटोन या उसमें कहते हैं सेकेंड सॉरी थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन जो होता है वो थ्री टाइम्स होता है फंडामेंटल के हमको किसका पूछा जाए सेकेंड ओवरटोन फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक थ्री टाइम्स होता है फंडामेंटल के के तो थ्री टाइम्स होता है हमारे फंडामेंटल नोट तो करके रखना कितना? एक से दो दिन बचे हुए है थोड़ा जितना हो उतना कोशिश कीजिए उन्नीस दबाव का नियम निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है या कह सकते हैं सिंपल सा रिप्रेजेंटि लॉ ऑफ प्रेशर साथ साथ इसको सबको याद रखना है बॉयल्स लॉ भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और यहाँ पे बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जबकि चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है या कह सकते हैं प्रेशर लॉ के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और पी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के तो इससे कांस्टेंट क्या होता है ये भी याद रखना है ओके okay. तो हमसे प्रेशर लॉ का पूछा तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो ट्वेंटी का आंसर क्या हो जाएगा सी ठीक है एकदम तो हमारी कोशिश है कि जितना पूछा है उससे को अच्छे से समझा पाए अच्छा लगे तो पक्का वाला लाइक तो जरूर कीजिए अच्छा लगता है किसी वीडियो पर लाइक आता है तो आप लोग प्यार दिखाते हो चलिए इक्कीस धातु का पड़ा वैधतांग डायक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल इनफाइनाइट होता है याद रखना है ओके वैक्यूम या एयर के लिए अप्रॉक्स वन होता है वाटर के लिए कहीं एट्टी या कभी एट्टी वन लिखा हुआ मिल सकता है दोनों में से कुछ भी तो फिलहाल मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है तो क्या हो जाएगा हमारा अनंत या इनफाइनाइट चलिए विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल का नियम निम्नलिखित दे कौन देता है मतलब फोर्स एक्टिंग बिटवीन किसके इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए तो हमको पता है कुलम्स लॉ होता है इसमें कुछ सोचना ही नहीं है तो गॉस का नियम जो देता है, के, के का 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 है। कार्य करता है का कार्य करता है याद रखना है फॉर्मूला एफ इक्व टू के लिए F K, Q1, Q2 square, मतलब दो आवेशों के बीच में लगता है जबकि फराइडक का नियम क्या है इंडक्शन के ऊपर बेस्ड होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी साफ याद रखिए तो फिलहाल इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा कुलम्स का नियम तेईस दो जुड़े हुए आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता यदि उनके पास मतलब देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू कनेक्टेड चार्ज बॉडी इफ दे हैव यदि दो जो चार्ज बॉडी है उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा ओके चाहे आवेश किसी पे ज़्यादा ही रहे या किसी पे कम भी रहे लेकिन फिर भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा क्योंकि जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है तो जो ही हो जाएगा चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा रुक जाएगा तो कह सकते हैं विभव समान होने पे सेम पोटेंशियल पे यही दो में क्या है समान हो मतलब हर एक तरीके से समान होती हैं मतलब उनका आकार हो सेम हो उनका मतलब एक ही पदार्थ का बना हुआ हो तो दोनों पर आवेश क्या होगा आधे आधे बचते हैं तब जाके उसका पोटेंशियल सेम होता है लेकिन वही दोनों आवेश समान नहीं हो तो उनका आवेश क्या होगा पोटेंशियल विभव तो दोनों केस में समान होगा मतलब समान होने पे भी और असमान होने पे भी विभव दोनों केस में समान होगा लेकिन पहले वाले में यदि वस्तु तो दोनों जो गोले हैं मान लो तो दोनों वस्तु हैं उनका यदि आकार पदार्थ सब कुछ समान होगा तो दोनों पे आवेश क्या होंगे समान होंगे यदि दोनों एक दूसरे के बनावट में अलग है दोनों अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है तो दोनों का विभव समान होगा लेकिन दोनों पे जरूरी नहीं कि आवेश भी समान हो याद रखेंगे चलिए वोल्ट मीटर का व्यवहार का निम्नलिखित में किसे मापा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाई यूजिंग वोल्ट मीटर तो वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं करंट को ए मीटर से मापा जाता है रेसिस्टेंस को ओम मीटर से मापा जाता है ठीक है मास को किससे मापा जाता है स्पेक्ट्रोमीटर से और पोटेंशियो मीटर मतलब वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को मापा जाता है याद रखेंगे सिंपल सा तो विभवांतर को किससे मापा जाता है वोल्ट मीटर से ए मीटर से करंट मापते हैं ठीक है याद रखें एमीटर से करंट मापते हैं ओ मीटर से रेसिस्टेंस मापते हैं 24 का बी 25 फाइव रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है केमिकल इक्विवेलेंट। ये क्या होता है तुल्यांक होता है जो परमाणु द्रव्यमान तथा संयोजकता का अनुपात होता है द्रव्यमान बटे संयोजकता परमाणु भार्य बटे संयोजकता मतलब एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी इसी को क्या कहते हैं हम लोग रासायनिक तुल्यांक याद रखेंगे क्या जाता है चलिए पी प्रकार अर्धचालक होते देखिए चालक अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं ठीक है एक पी टाइप के एक एन टाइप के पी टाइप का मतलब होता है जिसको मतलब शुद्ध अर्धचालक के साथ यदि त्रिसंयोजक अपद्रव को जोड़ा जाता है तो वो पी टाइप का बनता है और पंच संयोजक को जोड़ा जाता है तो वो N -type का बनता सिर्फ इतना ही अंतर है लेकिन पांच वाले को जोड़ो या तीन वाले को जोड़ो उससे उसके ऊपर को ना ना तो कोई एक्स्ट्रा ना मतलब आवेश नहीं होता है ध्यान रखना है तो आवेश अनावेश कहेंगे सिंपल सा है शुद्ध में त्रिसंयोजक वाले अवद्रव को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है पी टाइप के और यहाँ पे

जो तो भी ट्वेल्थ के वीडियो जो डाले गए हैं बिहार बोर्ड के ठीक है उसके ऑब्जेक्टिव का जरूर आप प्रैक्टिस यदि आप यहाँ तक कहाँ तक पहुँचे सत्ताईस तक पहुँचे हैं तो आपके लिए सिंपल सब बता रहे हैं कि तो ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस ये काफ़ी सारे मतलब कुछ कुछ तो आपको जरूर हेल्प मिले काफ़ी सारे नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वहाँ से भी आपको टकराएंगे ठीक है तो कम टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर का जो बिहार बोर्ड का ट्वेल्थ का पड़ा हुआ है एक लाइन से तो जो भी आपके टॉपिक्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर वाइज डाला हुआ है तो उसके ऑब्जेक्टिव देखिए कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करेगा ठीक है कम समय में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़िए क्योंकि आपका सिलेबस इतना छोटा नहीं है कि दो दिन या दस दिन में पढ़ा जा सके यदि आप पढ़ चुके हैं पहले से तब तो दस दिन में आराम से रिवीजन कर सकते हैं लेकिन नहीं पढ़े हैं तो अभी ऐसे चीज़ों का पार नहीं फोड़ना है जिसका कोई प्रॉफिट है क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए कुछ ना कुछ सीखिएगा और रिजल्ट अच्छा आएगा ठीक

विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान चाल के लिए निम्नलिखित कौन सत्य है इनमें से सभी तरंगद के लिए नहीं सभी माध्यमों में नहीं सभी तीव्रताओं के लिए इसका हमारा हो जाएगा सी अब विद्युत तर, चुंबकीय तरंग क्या होती है थोड़ा बहुत आप पढ़े हुई होंगे जिसमें चुंबकीय तरंगे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों पाए जाते हैं उसके लंबवत जो तरंग चलती है उसको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं सिंपल सा चीज़ है जिसके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है और क्या है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं इसमें लंबवत होते हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं याद रखना ये है ये की गति से चलते हैं मतलब थ्री इंटू ट्वेंट फाइव एट मीटर पर सेकंड से इसके तरंगे जो होते हैं उदासीन होते हैं और इसके कुछ उदाहरण रेडियो परावैग्निक किरणें एक्स किरणें तो इसको भी ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा सी इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा निम्नलिखित से किसे मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है इनर्जी को मापा जाता है तो सिंपल सा आवेश को कुलम से ऊर्जा को जूल से या इलेक्ट्रॉन वोल्ट से विभांतर को वोल्ट से धारा को करंट को एम्पियर से तो आंसर क्या हो जाएगा हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिखते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। एक पिंड पर okay, एक पिंड पर निम्नलिखित में कौन आवेश संभव नहीं है किसी वस्तु पर आवेश के लिए ये जानते होंगे q इक्वल टू एन इंटू ठीक है मतलब और एन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए वन टू थ्री फोर यदि सबसे पहले ई e की वैल्यू कितनी होती है माइनस नाइनटीन कुलम तो यदि हम एन निकालते हैं तो क्यू बाई e, मतलब q की वैल्यू जो दी गई है इसमें e से भाग दे दिया जाए 1.6 माइनस नाइनटीन से और यदि वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ इंटीजर आता है तो वो मान संभव है तो देख देखते हैं तो 1.6 पॉइंट इससे करेंगे तो ये कितने टाइम में टू टाइम से कट जाएगा ये फोर टाइम से कट जाएगा ये वन बार में कट जाएगा और ये नहीं कटेगा तो मतलब आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा थर्टी वन का सी ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड बोर्डी पूछे हुए तो इसलिए हम आपको बोले ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट है एलसी परिपथ की आवृत्ति ठीक है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेटर एलसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रीक्वेंसी टू होता वन बाई टू पाई रूट अंडर एल इंटू सी एल इंडक्टर के लिए सी कैपेसिटर के लिए याद रखेंगे इसको याद ही रखना है तो थर्टी टू का हमारा क्या हो जाएगा बी थर्टी थ्री प्रकाश के रंग के तरंग दर के रंग के तरंग दर के बढ़ते क्रम को निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है बढ़ते क्रम तरंग दर मतलब क्या है हमारा किधर गया भैया वेव लेंथ बढ़ते हुए मतलब सबसे पहले छोटा उसके बाद बड़ा उसके बाद बड़ा बार, बार सबसे छोटा हमारा कौन सा होता है वाइलेट और सबसे बड़ा हमारा कौन सा होता है रेड तो सबसे पहले इसकी बात करें तो रेड सबसे बड़ा होता है तो ये ऐसे ही कट गया येलो येलो के बाद रेड ठीक है ब्लू से पहले होता ये भी कट गया ब्लू उसके बाद रेड येलो ये भी कट गया नेक्स्ट हमारा ब्लू येलो और रेड बढ़ते हुए इसकी कितनी है ब्लू की फोर फाइव जीरो से लेकर फोर येलो फाइव की हमारी है फाइव सेवन जीरो से और रेड की है सिक्स टू जीरो से ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी एकदम याद रखिए उसका या तरंग तरंग कितनी होती है कलर का पूछा है तो अभी ये पूछा नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि किसी और का पूछे ठीक तो थर्टी थ्री का क्या हो जाएगा डी थर्टी फोर सामान्य आंख का जो फोकस दूरी कितनी होती है ठीक है तो फोकस करना होता है तो रेटिना तक की ही दूरी क्या क्या लाएगी उसके सामान्य आंख के फोकस दूरी या जो लेंस हमारा उसका फोकस दूरी तो वो हमारा होता है टू सेंटीमीटर याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर नहीं लगा देंगे 25 सेंटीमीटर निकटतम दृष्टि की दूरी होती है ओके तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ लोग 25 सेंटीमीटर के साथ भी जा सकते हैं पच्चीस न लगाइएगा पच्चीस पच्चीस सेंटीमीटर तक अब मिनिमम देख सकते हो उसके पास लाओगे तो नहीं देखोगे तो थर्टी का बी थर्टी फाइव रूट थ्री अप्रत वाले माध्यम के लिए क्रांतिक कोण क्रांतिक कोण क्या होता है साइंस सी याद रखेंगे साइन सी इक्वल्स टू क्या होता है वन बाई म्यू अब म्यू की वैल्यू कितनी वन बाई रूट टू सॉरी म्यू की वैल्यू रूट टू तो वन बाई रूट टू तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर्टी फाइव डिग्री मतलब ये है साइन थीटा बराबर वन बाई रूट टू तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन फोर्टी फाइव डिग्री या फोर्टी फाइव मतलब थीटा तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्टी फाइव ये तो हो गया इस क्वेश्चन का जवाब खास इसको भी याद रखना है पानी के लिए अपरांग कितना होता है और कोण का मान कितना होता है बर्फ के लिए अप्रतरा कितना कोण का ये थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाना है पूछ सकते हैं ठीक है तो थर्टी फाइव का क्या हो जाएगा बी थर्टी सिक्स जब प्रकाश हवा से कांच में जाती है हवा से कांच में जाती है निम्नलिखित किस रंग के लिए विचलन कोण अधिकतम होता है देखिए सबसे कम होता है लाल वाले के लिए विचलन कोण सबसे कम मतलब विचलन कोण का मतलब यह है कि बहादुर को जाना ऐसे था और कितने से विचलित हुआ तो सबसे कम में लाल वाला हुआ और सबसे ज्यादा कौन सा हुआ वाइलेट वाला तो वायलेट किसका पूछा जाए अधिकतम होती है वायलेट मतलब बैगनी का क्या होता है विचलन मान सबसे सब अधिक होता है नेक्स्ट एक फोटोन की ऊर्जा को निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है विच ऑफ रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ फोटोन फोटोन की एनर्जी क्या होती है एच इंटू न्यू एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट न्यू फ्रीक्वेंसी आवृत्ति और दूसरा होता है एच सी वाई लेमडा सी वेलोसिटी ऑफ लाइट और लेमडा क्या होता है वेव लेंथ तरंग सिंपल तो सा याद रखोगे एच सी वाई लेमडा या एच इन न्यू तो कौन सा जाएगा एच सी वाई लेमडा तो थर्टी सेवन का क्या हो जाएगा ए एकदम याद रखना है फॉर्मूले को प्रोटोन की एनर्जी के लिए सिंपल सा तो थर्टी सेवन का हो जाएगा नेक्स्ट की बात करते हैं एक कांच लेंस म्यूस टू थ्री बाय टू मतलब कांच का दे दिया है हवा के रिस्पेक्ट पे क्या चाहिए म्यू वैल्यूनांग का मान का हवा में फोकस दूरी दस सेंटीमीटर है ओके इसका फोकस दूरी पानी में क्या होगा तो इसके अंदर एक चीज और की जरूरत है वो है हमारा म्यू किसका वाटर का हवा के रिस्पेक्ट में ये आपको क्वेश्चन में देगा तो ही जाके ये क्वेश्चन बनेगा ये ऑलरेडी बिहार बोर्ड के ट्वेल्थ वाले के लाइट में भी ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपसे पहले भी बोले हम ट्वेल्थ के जो भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में है उस चैप्टर्स को जाके पी वाई क्यू आप कीजिए ठीक है क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर आपको हेल्प देगा तो चलिए करते हैं शुरू हमको फोकस लेंस का क्या फॉर्मूला पता है एयर के लिए हमारा हो जाएगा म्यू पहला किसका हवा के रिस्पेक्ट में ग्लास का कितना दिया है एयर के रिस्पेक्ट में वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू ये वाला फॉर्मूला से वन बाई म्यून बाई एफ टू म्यू माइनस वन वन से। दूसरा हमको दिया है निकालना किसका है? है? हवा हवा में, oh, में ठीक पानी के लिए कांच का। okay, focal length in water, अब लेंस को लेके गए वाटर के अंदर तो वहां के लिए पूछ रहा है तो अब इसका फोकल लेंथ क्या होगा तो वन बाई एफ किसके लिए वाटर के लिए तो म्यू ग्लास का चाहिए किसके रिस्पेक्ट वाटर के रिस्पेक्ट माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू देखिए ये जो दिया है हमारा म्यू ये जो म्यू हमको दिया है किसका कांच लेंस का मतलब ग्लास का दिया है एयर के रिस्पेक्ट में कितना दिया है थ्री बाई टू और ये जो हमको दिया है ये दिया है आपका म्यू वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में कितना है फोर बाई थ्री फोर बाई थ्री लेकिन हमको किसका चाहिए कांच का चाहिए वाटर के रिस्पेक्ट में वो तो दिया नहीं है तो निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे म्यू जी वाई वाटर इसको लिख सकते हैं म्यू जी वाई म्यू वाटर एयर के रिस्पेक्ट में एयर के रिस्पेक्ट में म्यू जी वाई ए म्यू जी वाई ए थ्री बाई टू और म्यू वाटर वाई ए ये हमको फोर बाई थ्री तो ये हमारा कितना हो जाएगा नाइन बाई एट अब हमको सब कुछ पता चल गया अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं लो इससे ये साफ और ये हमारा प्लट के कितना हो जाएगा ये प्लट हो जाएगा एफ डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा बाई एफ ऊपर में कितना म्यू जी ए के रिस्पेक्ट में म्यू जी ए के रिस्पेक्ट में माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू जी वाटर के रिस्पेक्ट में म्यू जी वाटर रिस्पेक्ट में माइनस वन इतना ये दोनों सेम है कट गया बाकी सबको जस का तस लिख दिए ओके okay. तो अब अपने को पता है म्यूजी एयर के रेस्पेक्ट कितना है थ्री बाई टू थ्री बाई टू माइनस वन और म्यूजी वाटर के रिस्पेक्ट में जस्ट निकाले नाइन बाई एट माइनस वन कितना हो गया ये थ्री में से एक दो गया तो एक बट्टा दो ऊपर बचा और नीचे बचा एक बट्टा आठ तो ये हो गया हमारा कितना एट बाई टू मतलब फोर तो क्वेश्चन में हमको क्या निकला एफ डब्ल्यू बाई एफ ए एफ डब्ल्यू बाई एफ ए बराबर फोर निकला तो एफ डब्लू बराबर क्या हो जाएगा फोर इन और फोर 4 का 4, फोर है, है? 10 सेंटीमीटर तो एफ इंटू टेन मतलब फोर्टी सेंटीमीटर तो आंसर क्या हो जाएगा इसका फोर्टी सेंटीमीटर तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी बिहार बोर्ड पूछ चुका है मतलब ट्वेल्थ बोर्ड को पूछता है इसलिए हम बोलते हैं जाके थोड़ा सा 12th के भी क्वेश्चन को देखिए वहां भी इसी हमको सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था चलिए थर्टी एट का क्या हो जाएगा डी थर्टी नाइन प्रकाश में अपवर्तन के लिए निम्नलिखित में कौन नहीं बदलता है कि विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट चेंज फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्पीड बदल जाती है ठीक है वेवलेंथ भी बदलता है लेकिन जो नहीं बदलता वो होती है फ्रीक्वेंसी याद रखेंगे स्पीड बदलती है वेवलेंथ बदलती है जब प्रकाश रिफ्रैक्शन कर रहा है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ओके okay. ब्रुस्टर का नियम लिखे से कौन निरूपित करता है विच ऑफ दी फॉलोइंग दिप्रेजेंटेटिव ब्रुस्टर्स लॉ ठीक है ब्रुस्टर का लॉ ध्रुवीकरण पर आधारित होता है ठीक है तो ये कहानियां आप जानते ही होंगे फिर भी आपको थोड़ा सा डिटेल दे दिए है यहां पे जो होता है हमारा आईपी आईपी को बोला जाता है ध्रुवन कोण क्या बोलते हैं ध्रुवन को ना, आता है टेन आई आईपी तो इक्वल्स टू टेन आईपी ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी तो ये आपको याद रखना पड़ेगा वायु और दूसरा चीज वायु कांच के लिए बूस्टर कोड का मान 57 डिग्री होता है ये तो पक्का वाला याद रखिएगा ठीक है पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 40 का क्या हो जाएगा सी 41 ग्रेड भी को निम्नलिखित से क्या निरूपित करता है ग्रेड भी को देखिए ग्रेड एफ यदि होता तो उसको लिखते हैं ऐसा कुछ तो ग्रेड भी को क्या लिखते हैं दिस इंटू दिस तो ऐसा लिख सकते हैं क्या और बाकी को भी आपको याद रखना है किसको कैसा लिखाता है ओके तो आपके लिए ही है तो 41 का क्या हो जाएगा सी नेक्स्ट कह रहा है डाइवर्जेंट ऑफ आर सॉरी उल्टा लिख दिए इसको लिखा जा सकता है जी डाइवर्जेंट डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है आर के साथ फैक्टर आर को कैसे लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अब डॉट प्रोडक्ट आपको पता होगा सेम सेम को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वन मिलता है और डिफरेंट को मल्टीप्लाई करते हैं मतलब आई डॉट आई करेंगे तो वन इससे पहले भी एक क्वेश्चन था और आई डॉट जे करेंगे तो जीरो ऐसा वाला तो सिंपल सा इसको इसके साथ करते हैं ये हमारा क्या बन जाएगा ये सब आपको पढ़ा हुआ होगा ठीक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन प्लस वन प्लस वन बराबर कितना थ्री के तो थोड़ा सा एकदम बेसिक सा चीज से पूछा गया है तो इजी है इतना लिखिए लिखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा थ्री फोर्टी टू का सी फोर्टी थ्री एल स्क्वायर एल जेड का मान होता है इसका मान जो होता है वो होता है जीरो याद रखेंगे फोर्टी थ्री फोर्टी फोर निकाय का तापीय धारिता ऑफ़ ए सिस्टम इंथेलपी क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रेशर इंटर चेंज चेंज इन वॉल्यूम ठीक है तो कौन सा चला जाएगा आ, प्लस ये 44 का क्या हो जाएगा ए एंथेलपी क्या होता है ये तो आपको पता ही है. तो 44 का एवं कोनी संवेग होता है कोनी है संवेग एम भी होता है ऐसा लिखते एम वी आर एम इंटू बी हमारा होता है क्या चीज ये दोनों मिलकर मोमेंट बनाता है तो यदि फैक्टर फॉर्म में लिखते तो फैक्टर आर क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट फैक्टर पी पी क्या लीनियर मोमेंटम और आर पता ही है। तो क्या लिखा जा सकता है आर क्रॉस पी फोर्टी फाइव का A. 46, वाट वाटर धारा मतलब वाटलेस करंट के लिए पावर फैक्टर कितना होता है जीरो होता है तो याद ही होगा ठीक है तो याद रखना पावर फैक्टर जीरो होता है वाटलेस करंट के लिए फोर्टी सिक्स का सेवन गैस के लिए आयतन समतापीय प्रत्यास्थता का में कौन मान सही है, ठीक है? तो आइसोथर्मल के लिए ये हमारा होता है माइनस भी डेल पी बाई डेल ये आपको पता होगा ठीक है तो चलिए हमको यह पता है कौन सा है आइसोथर्मल प्रोसेस प्रोसेसर हम लोग जानते हैं गैस इक्वेशन से पी वी इक्वल्स टू तो क्या होता है आर टी चूंकि टी को कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल है आइसोथर्मल है ना आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है मतलब तो टीवी कॉन्स्टेंट भी कॉन्स्टेंट तो डिफ्रेंशिएट इसको करोगे तो लिख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा पी डेल वी प्लस वी डेल पी इज इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ से करें बात तो हम भी डेल पी इजिक्वल टू लिखते हैं माइनस पी डेल भी तो भी डेल पी चलो यहाँ आ जाएगा तो भी डेल पी डिवाइडेड बाई डेल इज इजिक्वल टू क्या लिखा जाता है माइनस पी सिर्फ सिंपल सा सबको सॉल्व करते चलना है इतना लिख सकते हैं अब हमारे पास आइसोथर्मल के लिए क्या होता है आइसोथर्मल के लिए हमारा होता है माइनस भी डेल पी बाई डेल भी इसको और लिखते तो माइनस बाहर रख लो भी डेल पी डेल भी इतना और इसकी वैल्यू कितनी निकाली गए माइनस पी तो माइनस माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा पी तो आंसर क्या हो जाएगा पी उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा प्रीवियस ईयर माइनर रखता है प्रैक्टिस करते रहिए 47 का ए 49 सॉरी फोर्टी एट क्या है परम शून्य ऊर्जा निम्नलिखित से कौन निरूपित करता है जो डिग्री पर अनु की ऊर्जा परम शून्य ताप पर अनु की ऊर्जा जियो डिग्री फ़ारेनहाइट के अनु की ऊर्जा पर अनु की ऊर्जा यह निरूपित करता है परम शून्य ताप पर अनु की ऊर्जा परम शून्य ऊर्जा किसको निरूपित करता है परम शून्य पर क्या हो जाएगा इसका आंसर फोर्टी एट का बी 49 निम्नलिखित में किस अवस्था में एंट्रोपी अधिकतम होती है ठोस द्रव गैस इनमें से कोई नहीं कौन सा होगा बताइए देखिए एंट्रोपी का मतलब होता है कि इन मतलब एटम के पास कितना एनर्जी एक्स्ट्रा है ठीक है तो गैस के स्टेट में रहेगा तो एटम फ्री रहता है जिसके वजह से गैसीय स्टेट में हमारा क्या होता है एंट्रोपी सबसे ज्यादा होता है 49 का क्या हो जाएगा सी और ऐसे भी यहां लिखे भी है इन सबसे ज्यादा गैस की होती है उसके बाद लिक्विड की और उसके से कम किसकी होती है सॉलिड की होती है तो याद रखना है तो फोर्टी का हो जाएगा सी फिफ्टी अस्थायी अवस्था में वस्तु के तापक्रम के लिए में कौन सही है क्या कह रहे हैं विच ऑफ ऑफ बॉडी इन स्टडी स्टेट स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो चेंज नहीं होता टाइम के रिस्पेक्ट में जो नहीं बदलता उसी को स्टडी स्टेट कहते हैं लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग हो सकता है लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में बदलने नहीं चाहिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा समय के साथ जो नहीं बदलता है और वस्तु के विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न हो सकता है हो सकता है ठीक है स्टडी स्टेट का मतलब सिंपल सा टाइम के रिस्पेक्ट में यदि मान लो आप यदि पचास की वैल्यूसिटी से जा रहे हो और एक घंटे के बाद पचास की ही वैल्युसिटी आप मेंटेन करके रख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप स्टडी स्टेट में हो तो आंसर क्या हो जाएगा फिफ्टी का डी फिफ्टी वन विद्युत चुंबकीय तरंगों के गमन की दिशा को निम्नलिखित में से कौन देता है सबसे पहली बात विद्युत चुंबकीय तरंगे चुंबक की ये हमारे क्या है चुंबकीय क्षेत्र और ये हमारा है विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस दोनों के परपेंडिकुलर चलता है तो हमेशा याद रखेंगे जब भी देगा तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट को ही देगा तो ये हमारा होता है ई क्रॉस बी ठीक है हमेशा ये कैसे चलती है ऐसे चलती है और ये एक ऊपर एक हमारा इस तरफ तो इसके लंबवत चलती है परपेंडिकुलर चलती है तो कह सकते हैं मैक्सवेल e का इसमें से कौन इक्वेशन है मैच कर लेते हैं चार इक्वेशन अपने पास है मैच कर लो तो इसको यदि मैच करेंगे डीएसवाई डी एस वाई डी एस वाई डी वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी वाई डी टी वॉल्यूम तो ये इसके साथ मैच करता है तो सही बात है दूसरा डी टी वाई डी वी डी टी वाई डी वी एस डी पी डी एस भी देखिए यहां पे माइनस है लेकिन यहाँ माइनस नहीं है माइनस होना चाहिए था ओके नेक्स्ट डी वी बाई डी पी डी बाई डी पी डी वी बाई डी पी किधर है डी वी बाई डी वी बाई डी पी ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें कहीं भी तो ये तो कहानी खत्म तो आंसर क्या हो जाएगा ये और डी टी वाई डी पी डी वाई डी पी एस डी डी एस पी ये भी अपना है तो, यहां हुआ है, तो इसको चलो इसमें से एक ही चूज करना था तो किस को सी को चूज करेंगे अदरवाइज यहाँ माइनस साइन होना चाहिए था ठीक है 52 का C 53 थ्री एल आर परिपथ की समय नियतांक टाइम कॉन्सेंट किन्सटेंट एल आर के लिए एलवाई आर होता है याद रखना है 53 का ए। 54, की से कौन एक तो 54 का हमारा क्या हो जाएगा थॉम्सन कॉफिशियंट को बोला जाता है क्या चीज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थॉम्सन कॉफिशियंट को मतलब गुणांक को तो 54 का क्या हो जाएगा बी फिफ्टी फाइव एक कण के स्थिर दरमान के लिए जब उसका चाल बढ़ता है तो निम्न से कौन है बढ़ता है स्थिर दरमान देखिए रेस्ट मास जो होता है किसी बॉडी का वेलोसिटी के बढ़ने से नहीं बदलता उसका मास बदलता है रेस्ट मास स्थिर दरम्यान कभी नहीं बदलेगा चाहे वस्तु तो रुकी हुई हो चाहे वो गति में हो लेकिन वही उसके दरमान की बात करें तो वो बदलता है कौन से इक्वेशन के एम इक्वल्स टू एम नॉट ये हमारा रेस्ट मास होता है उसका वन माइनस बी ए स्क्वायर बाई सी यहां पे क्या होगा रेस्ट मास नहीं बदलता मतलब समान रहता है Remains the same. 55 का लोहे के क्यूरी बिंदु के लिए निम्न कौन सही है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द क्यूरी पॉइंट यह हमारा क्यूरी पॉइंट दिया हुआ है लोहे के लिए, के लिए कितना होता है वन जीरो तो साथ -साथ आप कोवाल्ट और निकल का भी याद रख सकते हैं उसका वन फोर डबल जीरो निम्न से कौन सही है चुंबकन तीव्रता के लिए कौन सही है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो हमारा होता है जीरो ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम या बोलते पोल स्ट्रेंथ बाय एरिया और इसका यूनिट क्या होता है एम्पियर मीटर। याद रखोगे इसको भी जरूरी है तो 57 का क्या हो जाएगा डी 58। परिनालिका के अंदर चुंबक क्षेत्र होता है इनसाइड साइड डी कह सकते हैं वो क्या होता है म्यू एन आई ये हमारा परिनालिका इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो म्यू एन आई कौन सा है म्यू एन आई तो 58 का क्या हो जाएगा बी आई मतलब करंट एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ओके और यदि हम 1 इंड की बात करते किसी एक इंड की बात करते तो वहां पे क्या होता है म्यू नॉट एन आई 2 याद रख सकते हैं तो हो जाएगा 58 का ए 59 एक पदार्थ के चुंबकीय रासायनिक तुल्यांक का ऐसा ही मात्र देखिए चुंबकीय रासायनिक तुल्यांक या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज मास इलेक्ट्रोकै केमिकल ऑफ ऑफ दासिटेड और लिबरेटेड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट पर कुलम ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोलाइट पर कुलम मतलब मास पर कुलम ठीक है तो के जी पर कुलम तो के जी पर कुलम चलिए तो नेक्स्ट हमारा क्या है भी ए माइनस भी बी का मान दिए गए चित्रानुसार होगा गिवन फिगर है अपने पास और भी ए माइनस वी बी दे रहा है तो ये हमारा पॉइंट जो है ये वाला ये हमारा ए पॉइंट है ये हमारा बी पॉइंट है चलते है ए से बी की तरफ तो भी ए। ओके पीछे जा रहे हैं ए से बी की तरफ तो हमको सबसे पहले बैटरी मिला ठीक है मतलब सेल मिला सेल का ई एम ई है और उल्टा जाने पे ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी ट्वेल्थ में आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव में भी आपको मिलेगा तो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो माइनस E रसिस्टेंस मिला इंटरनल रेसिस्टेंस R तो उसके लिए क्या होगा करंट के डायरेक्शन में यदि हम चलते हैं तो हमको क्या बोलता है निगेटिव करते हैं अदरवाइज हम क्या करेंगे इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे प्लस आई इंटू आर कहाँ पहुंच गए रेसिस्टेंस से आगे निकले तो कहां पहुंच गए वी वी पे तो वी ए माइनस वी वी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते ई माइनस आई इंटू आर तो ई माइनस आई इंटू आर यदि इससे नहीं चाहते हैं, तो सर्किट इक्वेशन भी आपको पता है यहां से सीधा सीधी भी इक्वल टू क्या लिख सकते थे e माइनस आई आर और यही हमारा होता है वी ए माइनस वी बी बराबर ई माइनस आई आर ठीक है एकदम आराम से लिखा जा सकता है जिससे जो आपको पसंद हो तो 60 का हो जाएगा बी 61 आवेशित चालक के लिए निकटतम विद्युतीय क्षेत्र e. इलेक्ट्रिक फील्ड ई नियर ए चार्ज कंडक्टिंग सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड के अंदर ट्वेल्थ के अंदर ये भी चैप्टर अपने पास है यदि हम यहाँ क्या कह रहे हैं आवेश चालक के निकट तो सबसे पहले यहां पर यह क्लियर नहीं है पतली चादर है या मोटी चादर है यदि क्लियरली नहीं लिखा हो कि पतली है या मोटी है तो आप मोटी का काम करेंगे ओके okay. यदि पतली होती चादर थीन होता तो होता सिग्मा बाई टू एफ्सलॉन नॉट और यदि थीक होता तो सिग्मा बाई एफ्सलॉन नॉट ठीक है सिग्मा बाई एफ नॉट तो क्या होता है थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है तो सिग्मा बाई एफ नॉट ठीक की ही बात करेंगे यहां पे 61 पर एक्सटी टू फ्राइडे नियतांक एफ बराबर होता है देखिए फ्राइडे नियतांक एफ बराबर सिंपल सा नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कुलम पर मोल नॉर्मली आपको कहीं भी लिखा मिलेगा लेकिन यहां फराइडे के टर्म में दिया है तो इसको लिखा जाएगा फराडे पर मोल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्राइड पर मोल तो सिक्सटी टू का हो जाएगा ए सिक्सटी थ्री बीटा छिया के लिए निम्नलिखित से कौन सही है देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों के लिए याद रखिए यदि अल्फा किसी से निकलता है मतलब किसी से यदि अल्फा निकालोगे तो इसको एटॉमिक नंबर के अंदर दो घटेगा और एटॉमिक मास में चार घटेगा यदि बीटा निकालोगे तो एटॉमिक नंबर में एक बढ़ जाता है एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं पड़ता जबकि गामा केस में ना एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास किसी में कोई फर्क नहीं, नहीं पड़ता है तो बीटा छा तो मतलब क्या है एटॉमिक जेड के अंदर एक बढ़ेगा तो जेड के अंदर एक किस में बढ़ रहा है इसमें भी बढ़ रहा है इसमें भी बढ़ रहा है इसमें घट रहा है इसमें घट रहा है चलो इस दोनों में बढ़ रहा है ओके लेकिन ए जेड ए जेड तो हमारा साथ में क्या निकलती है भी निकलती है तो आंसर क्या हो जाएगा बी सिक्सटी थ्री का बी सिक्सटी फोर पी वी संधि है डायमोड डायमोड सॉरी डायोड पता नहीं हिंदी में कैसे डायमोड लिखा हुआ है पीएन जंक्शन डायोड की गतिशील प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है हम लोग नहीं कुछ याद है ऐसे भी कौन बैठ रहा है तो भी किया जा सकता है तो सिक्सटी फोर का हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा क्या होगी प्रथम उत्तेजित अवस्था देखिए ये इस तरीके से इसका निकाला जा सकता है हाइड्रोजन परमाणु का जेड की वैल्यू वन होती है ठीक है यदि फर्स्ट की बात करते हैं एन इक्वल्स टू वन पे बात करें तो एन पे कितना आ जाएगा ये इनर्जी टू होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है इस पे था हाइड्रोजन कूद के सबसे पहले उत्तेजित अवस्था कौन सा मिलेगा एन इक्वल टू टू वाला और यहाँ पे ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जेड बराबर वन एन बराबर टू मतलब थर्टीन पॉइंट सिक्स बाई टू का मतलब फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में और इसे काटेंगे चार या बारह थ्री पॉइंट समथिंग तो थ्री पॉइंट समथिंग कौन सा होगा ये होगा तो माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन ये तो ग्राउंड स्टेट है तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है कितनी होती है तेरह दशमलव तो छह बेचार माइनस में तो माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिक्सटी फाइव का हो जाएगा बी सोडियम का कार्यफलन देखिए कुछ लोगों का वर्क फंक्शन कार्ड फ्रेंड याद रखिएगा जैसे सीसीम हो गया पोटासियम सोडियम कैल्सियम तो सोडियम का नॉर्मली आपको एनसीआर लिखता है टू पॉइंट सेवन फाइव एनसीआर लिखता है टू पॉइंट सेवन फाइव लेकिन यहां पे कहीं भी टू पॉइंट सेवन फाइव नहीं है तो यहां पे हम लेके जाएंगे टू पॉइंट थ्री को अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी कितना है टू पॉइंट सेवन फाइव लिखा हुआ आप देख सकते हैं बुक के अंदर सिक्सटी सिक्स का एक्सटी सेवन जोन प्लेट या सिंपल सा कह सकते हैं इसको जोन प्लेट कहते हैं कि प्रकृति के लिए निम्नलिखित कौन सही है लाइट इसको एक बिंदु पर लाके पटक दे रहा है तो मतलब ये कैसा काम उत्तल की तरह। तो कॉन्वैक्स तो लेंस की तरह काम करेगा सिक्सटी सेवन का बी मॉल्स के नियम के निम्नलिखित से कौन सही है वो हमारा होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा 68 का ए याद रखना है इसको निम्नलिखित किस एक तरंगों की ध्रुविकृत ध्रुविकृत नहीं किया जा सकता मतलब पोलराइज नहीं किया जा सकता नॉर्मली पोलराइज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जैसे गामा एक्सरे इंफ्रा यूवी विजुअल लाइट माइक्रोवेव रेडियो वेव लेकिन साउंड वेव कभी पोलराइज नहीं होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ध्वनि तरंग सिक्सटी का सी पाई बाई टू कालांतर के लिए संगत पथांतर होगा पाथ डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू फेज डिफरेंस पाई बाई टू ये हमारा फेज डिफरेंस अब पाथ ये हमारा पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू लेमडा बाई टू पाई इन टू फेज डिफरेंस ऐसे लिखा जाता है ओके तो हमारे पास क्या दिया है फेज डिफरेंस पाई बाई टू पाई बाई टू तो पाई से पाई साफ क्या हो जाएगा लेमडा बाई फोर तो लेमडा बाई फोर इस फॉर्मूले को याद रखेंगे ठीक है सेवेंटी का क्या हो जाएगा सी चलिए थ्री डी थ्री के लिए लैंडे जी गुणांक होता है देखिए इसके लिए पूरा आपको याद रख पूरा फॉर्मूला जी गुणांक निकालने के लिए अपने को पहले ये पूरे फॉर्मूले जे जे प्लस वन एस एस प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन डिवाइडेड टू जे जे प्लस वन ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा तो सिंपल सा क्या दिया हमको थ्री डी थ्री इसको ऐसे लिखते हैं 2s एस प्लस वन एल जे टू एस प्लस वन एल जे क्योंकि हमको s की वैल्यू भी चाहिए इसके अंदर जे की वैल्यू भी चाहिए और एल की वैल्यू भी चाहिए तो यहां से निकाल लेते हैं तो सबसे पहले जे बराबर हो जाएगा हमारा थ्री एल डी है तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है टू तो l हो जाएगा हमारा टू और तीसरा दिया टू एस प्लस वन बराबर थ्री तो टू एस बराबर टू तो एस बराबर कितना वन ये तीनों निकल गया जे निकल गया एल निकल गया एस निकल गया अब फॉर्मूले में डालते हैं इक्वल्स टू क्या होता है डिवाइडेड वैल्यू वन प्लस जे की वैल्यू कितनी है थ्री थ्री इंटू थ्री प्लस वन मतलब फोर तो थ्री इंटू फोर प्लस एस एस की वैल्यू है वन वन इंटू वन ही होगा ना वन इंटू टू माइनस एल एल की वैल्यू कितनी है टू टू प्लस वन थ्री तो मतलब टू इंटू थ्री डिवाइडेड बाय टू इंटू जे की वैल्यू थ्री और थ्री इंटू फोर ये हमारा हो गया वन प्लस ट्वेल्व प्लस टू माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई बारह चौबीस ट्वेंटी फोर ये हो जाएगा हमारा इतना जाएगा छः हजार सात आठ ये हो जाएगा वन प्लस एट बाई ट्वेंटी फोर आठ चौबीस मतलब वन प्लस वन बाई थ्री मतलब थ्री प्लस वन फोर बाई थ्री आंसर तो फोर बाई थ्री आंसर मतलब फॉर्मूला पूरा याद रहेगा तभी बनेगा हर एक चीज आपको उम्मीद है समझा पाए होंगे कि किसको कैसे लिखना है तो सेवेंटी वन का डी सेवेंटी टू की बात करते हैं तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा क्या होती है काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है अब इसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बोला जाए तो हमारा कह सकते हैं गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी के हाफ होती है इस वाले से काइनेटिक एनर्जी जो होगी पोटेंशियल एनर्जी के हाफ होगी तो लिख सकते हैं वन बाई टू पोटेंशियल एनर्जी और इसको याद रखेंगे पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस टू टाइम्स होती है काइनेटिक एनर्जी के टोटल एनर्जी जो होती है माइनस होती है काइनेटिक एनर्जी के और यदि मॉड की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी दो गुना होता है काइनेटिक एनर्जी के तो सेवेंटी टू का ए 73, थ्री एल इक्वल टू टू एस इक्वल टू वन के लिए वन ईयर पद दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला तो पहले भी देख चुके हैं ठीक है तो एल इक् एस इक्वल्स टू वन यदि हमको दिए बात करें इसके लिए तो टू एस प्लस वन बराबर टू तो एस बराबर क्या हो जाएगा जीरो पहला ख़त्म दूसरा टू एस प्लस वन बराबर थ्री तो टू एस बराबर एस बराबर कितना वन तो एस बराबर वन ठीक है और एल को चेक करते हैं एल किसके लिए लिए डी के लिए एल डी के लिए कितना होता है टू होता है तो एल टू है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पी सेवेंटी थ्री का बी उम्मीद है समझ में आया होगा सेवेंटी थ्री का बी सेवेंटी फोर निम्नलिखित कणों में किस एक का स्पिन वन बाई टू नहीं होता है वो नहीं किसका होता है फोटोन का होता है जो वन बाई टू नहीं होता है याद रखना है सेवेंटी फोर का हमारा हो जाएगा क्या कह रहा है फोटोन बना होता है यहां प्रोटोन इज कम्पोज ऑफ ये फोटोन नहीं होगा इसको प्रोटोन ही कर लेंगे ठीक है तो प्रोटोन किससे बना होता है प्रोटोन जो बने होते हैं टू अप क्वार्क से और वन डाउन क्वार्क से ठीक है तो टू अप क्वार्क एंड तो वन डाउन क्वार्क मतलब तो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क जब और याद रखेंगे न्यूट्रॉन के लिए वन अप क्वार्क होता है जबकि वन डाउन क्वार्क होता है ध्यान रखना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेवेंटी सिक्स द स्पिन ऑफ अप क्वार्क देखिए ये सारे क्वार्क है डाउन अप स्ट्रेंज चार्म बॉटम टॉप सारे में स्पिन क्या होता है वन बाई टू ही होती है ध्यान रखना है तो यहां पे वन बाई टू किसी का नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा None. लेकिन यहां स्पिन नहीं पूछ के इसको पूछना चाहिए था चार्ज कितना रहता है तो क्वार्क का चार्ज यदि हम बात करें क्वार्क का चार्ज होता है प्लस टू बाई थ्री तो यदि चार्ज पूछता तो ये हमारा आंसर सही होता है टू बाई थ्री लेकिन यदि स्पिन पूछेगा तो स्पिन वन बाई टू ही होता है सारे के लिए ओके सेवेंटी सिक्स का क्या हो जाएगा कुछ नहीं सेवेंटी सेवन नाभिकीय बलों के, के परास के लिए निम्नलिखित से कौन सही है ठीक है न्यूक्लियर फोर्स के लिए तो ये लगभग वन फर्मी के इक्विवेलेंट होता है मतलब टेन पे पावर माइनस फिफ्टीन मतलब टेन पे पावर माइनस फोर्टीन से टेन पे पावर माइनस फिफ्टीन तक को ले सकते हैं तो यहाँ फिलहाल ले, 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 ले लेते हैं टेन पावर माइनस फोर्टीन को ठीक है याद रहना चाहिए वही एटम की बात करता परमाणु की बात करता तो वो होता है टेन पे पावर माइनस टेन के आसपास मतलब ये फर्मी होता है जबकि ये एंगन रहता है तो ये हो गया हमारा एटम की बात करता तो तो 77 का हो गया ए 78 विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का मात्रा कहलाता है तो क्वांटम ये कहलाता हमारा फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन पैकेट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी पता ही है तो 78 का हो जाएगा बी चलिए बैक का नियम सिर्फ बैक्स लॉ क्या होता है एन लेमडाइन थीटा या कह सकते हैं लॉ के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ स्केटरिंग भी याद रखना है तो टू लेमडाइन थीटा तो एन लेमडा सॉरी एन लेमडा एन लेमडा टू डी साइन थीटा किसके बराबर सेवेंटी नाइन का हमारा क्या हो जाएगा ए तो इसको तो याद रखना ही है साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ स्केटरिंग ये भी याद रखना है तो सेवेंटी नाइन का हो जाएगा ए मैक्सवेल का समीकरण में से कौन है आप देखिए इतने सारे अपने को दिए हुए हैं ये मैक्सवेल के समीकरण है तो पहला वाला डेल बी जीरो है। कौन है तो कौन है ये ए है बी वाला नहीं है सी वाला ये भी है और डी वाला ये भी ऑलरेडी है तो कौन है कि जहां पे अच्छा रहता कौन नहीं है पूछता तो हमारा बी आंसर होता कौन है तो ए बी ए सी डी तीनों है ठीक है इक्वेशन आप याद रखोगे एटी का हो जाएगा ए सी डी पॉइंटिंग सदिश को निम्नलिखित से कौन निरूपित करता है पॉइंटिंग फैक्टर पॉइंटिंग फैक्टर ई इन टू एच इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और जानते हैं म्यू इक्वल्स टू क्या होता है बी बाई एच म्यू इक्वल्स टू बी बाई एच तो एच इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बी बाई म्यू और पॉइंटिंग फैक्टर इक्वल्स टू हमको पता ही है क्या होता है ई e क्रॉस वेक्टर एच तो यहाँ से लिख सकते हैं ई क्रॉस वेक्टर बी बाई म्यू ई क्रॉस बी बाई म्यू तो, e तो मतलब ये तो थोड़ा सा याद रखेंगे क्या जाता है दो दिन की कहानी एट्टी वन का ए चलिए मुक्त कण के लिए किसका डिंगर समीकरण होता है कौन सा होता है 82 के लिए याद रखना है ए बी एट्टी का हमारा हो जाएगा ये दोनों हो जाता है हमारा देखिए एक्चुअली आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम टाइम आपका इसके टर्म में ठीक है लेकिन ये भी मैक्सिमम बी के साथ ही जाना चाहते हैं लेकिन डी को भी लिया जा सकता है ओके तो बी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसके लिए एट्टी का बी एट्टी थ्री संवेद का ऑपरेटर निम्नलिखित से कौन निरूपित करता है तो ये करता है हमारा एच क्रॉस आई ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एट्टी थ्री का बी याद रखोगे ये सब तो पढ़ा हुआ होगा एट्टी थ्री का बी एट्टी फोर आवर्त दोलन का न्यूनतम ऊर्जा ये सब फॉर्मूला है आपका एट्टी फोर का सी मुक्त कर्ण के लिए निम्न से कौन सही है मुक्त कर्ण के लिए हमारा एट्टी mm, फाइव का हो जाएगा स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो का बी एट्टी सिक्स कुल कोणीय संवेग के लिए निम्न से कौन सही संवेग क्या होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम सम ऑफ स्पिन मोमेंटम और और वाइटल एंगुलर मोमेंटम तो सिंपल सा कह सकते हैं ये एल प्लस एस ठीक है एल प्लस एस टोटल एंगुलर मोमेंटम देगा तो 86 का विद्युत क्षेत्र में वर्ण क्रम रेखा का विखंडन कहलाता है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रेखा का विखंडन होता है वो होता है स्टार्क इफेक्ट और जबकि हमारा जीवन इफेक्ट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड ये थोड़ा एरो पहले होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ये एरो होना चाहिए था तो किसमें का इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रहा है तो हमारा क्या होगा स्टार्क प्रभाव स्टार्क इफेक्ट 87 का ए चलिए ऊर्जा प्रवाह या एनर्जी फ्लक्स इज इक्वल टू एनर्जी फ्लक्स क्या होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम उसी तरह एनर्जी डेंसिटी क्या होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ओके तो एनर्जी का मतलब जूल एरिया का मीटर स्क्वायर और टाइम के लिए सेकंड तो जूल पर सेकंड हमारा क्या बनता है पावर बनता है और मीटर स्क्वायर मतलब एरिया तो पावर बाय एरिया तो पावर बाय एरिया कौन सा है 88 का हमारा क्या हो जाएगा पावर बाय एरिया मतलब सी एफसीसी संरचना के इकाई सेल में कुल परमाणु की संख्या तो एफसीसी के साथ-साथ सिंपल सेल क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी इस तीनों का भी याद रखना तो क्या हो जाएगा किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है वोल्ट पर मीटर जो हमारा मात्रक होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का याद रखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या कैपेसिटेंस का फेराड इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर कैसे होता है यह भी ध्यान रखोगे इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर तो इसका हो गया वोल्ट हो गया मीटर वोल्ट पर मीटर 90 का क्या हो गया डी नाभिकीय त्रिज्या बराबर होती है देखिए त्रिज्या इक्वल्स टू होता है आर नॉट इन बाई थ्री अटोमिक मास नंबर ए r नॉट एक कांस्टेंट है तो यह पावर 1/3 y यदि आपको पूछा है था वॉल्यूम के टर्म में तो 4/3 पाई r नॉट का क्यूब इनटू a मतलब ऐसे याद रखो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a पे पावर 1/3 जबकि वॉल्यूम के लिए होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a ये याद रखना है दोनों तो 91 का d डाउन कॉर्क का मान होता है डाउन कॉर्क के लिए क्या मान होता है डाउन कॉर्क डाउन अप डाउन माइनस वन बाई थ्री तो माइनस वन बाई थ्री बोसोन निम्लिस कौन नहीं है तो बोसोन हमारे देखिए ये फोटोन है हाइड्रोजन है ठीक है तो ये हमारा जो नहीं होता है वो होता है और बोसोन के लिए होता है होना चाहिए उसका एटॉमिक मास नंबर वो इवेन होना चाहिए तो इवेन तो इसका है हीलियम का तो ये नहीं है तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका सी हीलियम 23 93 का सी 94 एक अणु के कंपन ऊर्जा उसकी जमीनी अवस्था में ठीक है द वाइब्रेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट h इनटू न्यू इसे पहले भी याद होगा एच इंटू न्यू एच सी वाई लेमडा ये दोनों देख चुके हैं एच इंटू न्यू आवृत्ति के लिए नाइंटी फोर का सी निम्नलिखित अनुभव में से कौन सा एक घूर्णी वर्ण क्रम प्रदर्शित तो नहीं करता है वो होता है हमारा एच टू नहीं करता है, क्यों नहीं करता है ये डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं बट डज नॉट एक प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम बिकॉज इट हैज सिमेट्रिकल मॉलिकुलर स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल यदि पढ़ना चाहे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन याद कीजिए जैसा भी है तो इसका क्या हो जाएगा नाइन्टी फाइव का ए नाइन्टी सिक्स हिलियम न्योन लेजर में लेजर संक्रमण होता है किसके कारण होता है देखिए लेजर का संक्रमण ये हमारा हिलियम यह हमारा न्योन तो लेजर का संक्रमण हमारा न्योन में होता है न्योन के कारण तो कह सकते हैं न्योन वनली और इसके अंदर जो गैस भरी होती है हीलियम और नियॉन की उसमें 90% परसेंट होता है और 10% परसेंट क्या होता है नियॉन रहता है ये भी याद रखना है 96 का बी 2D डी थ्री बाई की बहुलता दी जाती है बहुलता का मतलब होता है सिंपल सा 2S एस प्लस ये हमारा देता है अपनों क्या मल्टीप्लिसिटी तो ये 2s एस प्लस की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 2 है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 तो 2s एस प्लस देता है तो सिंपल सा मल्टीप्लिसिटी क्या, तो क्या हो जाएगी इसकी टू याद रखेंगे इसको 97 का रैम और रोम क्या मेमोरी होता है कंप्यूटर का तो सिंपल सा कंप्यूटर मेमोरी होता है कंप्यूटर की यादें 98 एट का बी 99 यदि साबुन के बुलबुले में अधिक हवा धकेल दी जाती है तो उसमें दाब देखिए हवा अंदर अधिक जाएगा जिसके कारण उसकी तिरजिया बढ़ जाएगी तिरजिया के बढ़ने से उसका क्या होगा दाब कम हो जाता है तो कम हो जाता है जैसे हवा का बुलबुला है ना इसमें हवा जो ही ज्यादा दोगे तो उसकी तिरजिया बढ़ेगी बड़ा आकार का बनेगा जिसके वजह से उसका दाब क्या हो जाता है उसके अंदर कम हो जाता है तो नाइनटी का क्या हो जाएगा ए यदि क्यू एक चक्रीय समन्वय है तो इसके लिए हमको याद रखना पड़ेगा डेल एल वाई डेल क्यू इक्वल्स टू जीरो हंड्रेड का हमारा क्या हो जाएगा B थैंक्स फॉर वॉचिंग तो ये आपके क्वेश्चन थे 2020 के ए, 2020 2020 के तो 100 क्वेश्चन जो पार्ट टू से थे यदि आपको अच्छा लगा बाबू अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और फोर के आइएगा एग्जाम को क्योंकि मेहनत लगता है क्वेश्चन पैंक भी बनाने में जल्दी मार्केट में मिलता भी नहीं है तो उम्मीद है समझ में आया होगा थैंक्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा थोड़ा बोरिंग तो जरूर लगा होगा क्योंकि हंड्रेड क्वेश्चन को इतना जल्दी कंप्लीट करना आसान नहीं है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम थैंक यू